नर्सरी से कुछ शॉपिंग की है मेरी सिस्टर। ये पान का है प्लांट है जो कि 40 का पड़ा है। ये ग्राफ्टेड रोज है तो ये 100 का पड़ा है। ये इलायची का है जो कि ये 15 का पड़ा है शायद। इसमें अच्छी है प्लांट। ये मैरी गोल्ड का है जो कि मुझे 10 का पड़ा था, तो लाते टाइम पर रास्ते में ये टूट चुका है, देख सकते हैं। तो ये पर इसकी कटिंग से भी लग जाएंगे, तो इसको हम कटिंग से लगा देंगे क्योंकि उसके ऊपर भी रूट आए हैं, तो लगा देंगे। ये मैं गुलाब का लगाई हूँ जो कि कटिंग से ही लगाए हैं, देसी वाले गुलाब हैं, तो इसको निकाल देते हैं। इसे पॉली बैग में भी लगा दूँगी। ऐसे में जो मेरा और इलायची का पौधा है मैं इसमें लगा दूँगी। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से रूट आए हैं। मतलब मैंने गुलाब के जितने सारे कटिंग लगाए थे सारे मेरे ग्रो हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एक दो हुई ग्रो है, पर सारे ग्रो हुए हैं। तो मेरे पास गुलाब के देसी वाले काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। मैंने बहुत सारे अपने बांट चुके हैं, बहुत मेरे पास है, फिर मेरे पास स्पेस भी नहीं है और ना ही मेरे पास गमले की उसको मैं लगाऊंगी। तो ये भी मैं किसी को दे ही दूंगी। तो सारी मिट्टी को पहले इसकी गुड़ाई अच्छे से कर लेते हैं। ये गोबर की खाद है जो कि 2 साल पुराना है, तो दोनों को अच्छे से मैं मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। देख सकते हैं थोड़ी मिट्टी गीली है क्योंकि इसमें मैं पानी मिसा देती है, बारिश भी हो रही है तो गीली है। ये इलायची के पूरे 5 प्लांट है, काफ़ी अच्छे हैं। मैंने पहले भी इसको ना ग्रो करने की कोशिश की थी बट मेरा नहीं ग्रो हुआ है, तो इसलिए मैं दोबारा फिर नर्सरी से सोची लाने के लिए। मैं 2-3 बार ट्राई की हूँ इलायची से ग्रो करने के लिए बट मेरा नहीं हुआ है। तो मैं पॉली बैग को आराम से निकालती हूँ क्योंकि मैं पॉली बैग संभाल के रखती हूँ क्योंकि मेरे पॉली बैग में ही अपनी कटिंग सब लगाते हैं, तो इसी पॉली बैग में मैं यूज करती हूँ। इसलिए पॉली बैग को मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ, आराम आराम से कर कर निकाल रही है सिस्टर। पौधा काफ़ी अच्छा है, काफ़ी देख सकते काफ़ी 5-6 प्लांट है इसमें। रूट भी देख सकते काफ़ी अच्छे से आई है। ये मैं 2-3 बार मैं नर्सरी गई थी सोच रही थी लेने के बट मैं नहीं ले पा रही थी, तो फाइनली आज इसको ले ली। इसको अच्छे से मिट्टी के अंदर दबा देंगे। इसमें मैंने ऐसा सुना था शायद ये बल्ब से होते, पर ये तो मुझे लग नहीं रहा ये बल्ब है, इसके रूट ही है। मुझे लगता था ये इलायची में बल्ब से ग्रो होते हैं जैसे बाकी प्लांट जो लिली का हुआ, तो इसलिए तो पर ये बल्ब वाला है। ऐसे तो बल्ब की होनी चाहिए, पता नहीं। अब आप कमेंट करके बताइएगा इलायची का वो पौधा बल्ब से होता है या ऐसे रूट में होते हैं, साइड में मतलब प्लांट से निकलते हैं। तो अच्छे से लगा देते हैं, लगा के नीचे दाब के वाटर कर देते हैं। आप लगा देते हैं और गुलाब लगाएंगे। मैं गुलाब की ये भी मैं इसमें कटिंग लगाई थी, इसको भी मैं खाली कर दी हूँ। तो अब इसमें भी गोबर की खाद मिला देते हैं अच्छे से। मिलाने के बाद मैंने रेत भी इसमें डाली हूँ और हल्दी भी डाली हूँ, तो इसलिए गुलाब को थोड़ा मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी क्योंकि ये ग्राफ्टेड वाले काफ़ी 100 के, मैं इतनी कॉस्टली पौधा यूज नहीं करती हूँ, मैं कम रेट का ही यूज करती हूँ। तो इसको आराम आराम से मुझे कहो, मैं अपने सिस्टर से बोल देगा पॉली में कट करना होता काट देना, पर पौधे को बिल्कुल भी ना नुकसान पहुँचे। पर उसने आराम से करके निकाल दी बट देख के पौधा एकदम मन मतलब खुश नहीं हुआ क्योंकि इसमें रूट अच्छे नहीं है, पौधा हेल्दी है पर कुछ कुछ रूट इसके सूखे हैं। अब थोड़ा इसका ख्याल केयरिंग थोड़ा ज़्यादा मुझे करना है, तो करेंगे इसकी ख्याल करेंगे थोड़ा सा। मतलब जो खुशी था, फीलिंग था इलायची के पौधे इसको देखकर, इसमें वो फीलिंग नहीं आ रही है। ये ग्राफ्टेड है, इधर बहुत महंगे मिलते हैं ग्राफ्टेड पौधे, देखते हैं खिलते हैं तो कौन। मैं तो रेड वाला बोल के ली हूँ, अब देखते हैं वो अंकल कौन सा देते हैं। ये मैंने बास्केट ली हूँ, 20 का ली हूँ, काफ़ी अच्छे हैं मुझे मिल गया है। तो इसमें मैंने सारे में डाल दी हूँ गिट्टी। इस बार दिवाली के मैं जो दिए होते ना उसको संभाल के रखने वाली क्योंकि इसको मैं गिट्टी डालूँ, मेरे पास दिए नहीं है तो इसलिए इसे अच्छे से डैमेज होल को बंद कर लेते हैं। अब मिट्टी सर में मैंने बेल्डेन ही बनाई हूँ, तो ये मेरी सिस्टर स्पेशली आज उसका बर्थडे है इसलिए उसने पौधे अपने बर्थडे के दिन पर प्लांट हम लोग लगाना पसंद करते हैं। आप
आपको क्या पसंद है, अपने बर्थडे के दिन पे क्या करना पसंद है, तो उसको तो प्लांट, मुझे भी प्लांट की बहुत शौकीन है हम लोग, तो हम लोग अपने बर्थडे के प्लांट लगाते हैं। तो अगर आप नहीं लगाते तो अपने बर्थडे के वाले दिन पे एक ही प्लांट, कोई भी प्लांट आप ज़रूर लगाएं, जगह नहीं है तो कहीं भी फील्ड में चाहे रोड साइड में लगा दीजिए, तो उससे जो फीलिंग आई ना बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो इसको अच्छे से हम लोग लगा देते हैं प्लांट की, ये पूजा में बहुत महत्व होता है, तो इसलिए मैंने स्पेशली मैं पूजा के लिए लाई हूँ, क्योंकि पान की दुकान पर जाते थे लेने तो वहाँ पर वो कट कट के रखे रहते थे, तो वो नहीं लगाया जाता है, वो पूजा में नहीं यूज होता है, तो इसलिए मैं पान का प्लांट लाई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था लेने में, एक बहुत ढूंढने पर ही मिलता था, मेरे आसपास जल्दी नहीं मिलते थे, काफ़ी दूर जाना पड़ता था। तो इसको अच्छे से लगा के पानी देके इसको किसी छाया स्थान पर रख देंगे, इसको डायरेक्ट धूप में नहीं रखेंगे, वेल नुमा प्लांट है। ये मैं पॉली बैग घर पर ही बनाए हैं, तो इसमें मैरीगोल्ड का जो कटिंग का ऊपर का हिस्सा है मैं वो लगा दूंगी कट करके, इसी का, और जो थोड़ा सा नीचे का पर्सन है तीखा कट कट रही हूँ कि अच्छे से ये ग्रो कर ले, इस टाइम बारिश भी हो रही है तो अच्छे से ये ग्रोथ कर लेंगे। ये मैंने रेत ली हूँ, रेत में काफ़ी अच्छे फास्ट ग्रो होते हैं, और ये गोबर की खाद है जो कि 2 साल पुराना है, मैंने थोड़ा सा हल्दी का प्रयोग कर रही हूँ इसमें करके, इसी में पॉली बैग में अच्छे से लगा देंगे। जो कटिंग है जो एक्स्ट्रा जो लीव्स रहते हैं उनको हटा देते हैं, ऐसे क्या होता है कि उसमें फंगिसाइड लग जाते हैं, इसको अंदर लेकर दबा देंगे। जो मेरी कटिंग जो नीचे का पर्सन है मैं उसको नहीं हटाऊंगी, उसी तरह छोड़ दूंगी, बाद में जैसे ही उस कुछ लिप्स निकल जाएंगे तब मैं उसको भी लगा दूंगी, फिलहाल के लिए मैं उसको उसी तरह छोड़ देने वाली हूँ। और जो मैं कटिंग जितने प्लांट लगाई थी ना सारे ग्रो हो रहे हैं, तो उनको भी मुझे चेंज करना है। ये मेरा वीडियो काफ़ी टाइम का मैं बनाई हूँ, पर मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे इसलिए वजह से मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही थी, तो ये 19 सितंबर का है, तो आज मैं इसको अपलोड करने वाली हूँ। ये मेरा एक ज्योरा का है बड़े वाले साइज का, तो इसको भी मैंने गुलाब वाला जो मैंने बास्केट में लगाई उसी में लगाई थी, तो काफ़ी बड़ा बास्केट था तो मुझे इतना नॉलेज भी नहीं था, तो छोटे प्लांट को छोटी चीज़ में ही लगाया जाता है। तो अब इसको मैं इसमें लगा के पानी देके किसी छाया स्थान पे, सारे पौधे को 2-3 दिन के लिए छाया स्थान पर रख देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हाँ अपना ज़रूर कमेंट करके बताइए मेरा वीडियो कैसा लगता है यार, प्लीज़ सपोर्ट करो।